अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के पकोड़े। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, 2 कप मैंने बेसन लिया है, 2 कप मैंने पालक ली है, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये भूनने के लिए नीम गर्म पानी लिया है, हसबे जायका नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ली है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है और 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबित ज़ीरा लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ें डाल लेंगे। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, धनिया, प्याज और पालक। अब इनको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी डाल के थोड़े थोड़े पानी से इसको गूंदूंगी। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदना है, ना इतना ज़्यादा पतला रखना है ना इतना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, मैं इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। ऑयल में थोड़ा सा मिक्सचर डाल के हम देख लेंगे कि ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप हाथ से डाल लीजिए या फिर चम्मच की मदद से। मैं डालूँगी चम्मच से। इसी तरह मैं सारे पकौड़े डाल लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे पकौड़े डाल लिए हैं और जो मैंने पहले डाले थे मैं उनकी साइड चेंज कर दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना, नहीं तो ये जल जाएंगे और एक अंदर से पकेंगे नहीं, ऊपर से बहुत डार्क ब्राउन हो जाएंगे या जल जाएंगे। आपने इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने सारे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ये पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, हम इनको भी निकाल लेंगे। मज़ेदार से पालक के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।